ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। आगे बढ़ते हैं। कोटा के गोठड़ा कला गांव में नाव दुखांतिका के बाद चंबल नदी में डूबे सभी 13 लोगों की शव को बरामद कर लिया गया। कल से चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। कल नदी से 11 लोगों के शव बरामद हुए थे, वहीं आज भी 2 लोगों के शव बरामद हुए। दर्दनाक हादसे के बाद चंबल के किनारों पर मातम पसरा है। कोटा के एक गाँव बरनाहाली में तो दर्द का समंदर ही उमड़ पड़ा, जहाँ के एक ही घर से कल 4 अर्थियाँ उठी और इस गाँव के 7 लोगों की डूबने से मौत हो गई। नाव में एक दर्जन बाइक्स के साथ सवार 32 लोग बूंदी के चांदड़ा की तरफ जा रहे थे, लेकिन कोटा घाट से कुछ मीटर चलने के बाद ही क्षमता से ज्यादा वजन लदी नाव पानी में डूब गई। 19 लोगों तो जैसे तैसे किनारा मिल गया, लेकिन 13 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। बहुत भारी संकट आ गए। 3 भाई था, मैं अकेले आऊंगा बस। भाभी गई, अरे 2 बच्चा आए और उसकी लगभग भाभी की 35 या 38 साल का, भाई साहब की बड़ा जी 40 साल की उम्र थी। मतलब सवारी कंबल नहीं चाहे वो हद से ज़्यादा गाड़ियाँ कोई सवारा पड़ते बस उसको मानते। माँ बाप दोनों चले गए तो कितने संकट आ गया परिवार पे? संकट तो आ गए ना, पूरे बोझ भार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। अब एक भाई एक बहन है, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अब खेती बाड़ी तो न तो बारिश आ रही न काई जो पता हो गई तो आधो बरस हो जाए। बंद होना चाहिए बिल्कुल, अगर वहाँ से निकले तो रोड या पुलिया या और होना चाहिए ना, वहाँ से नाव से सिस्टम पूरा बंद होना चाहिए बस। परिवार का ढांचा कितना बिखर गया? ढांचा तो बिल्कुल, मैं हम तीनों भाई स्टडी करते थे लेकिन अब कोई नहीं, अब सब चोट चाड़ के धंधा करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि अब मेरा परिवार इतना आर्थिक रूप से इतना नीचे चल गया कि कोई पूछो मत आप समझा रहे बस। संकट है साहब, गरीब आदमी था, खाई कौन से खेती बाड़ी, सब वो जाई जाती रही, बच्ची जाती रही, खबक मतलब कुछ भी नहीं, ऐसी कंडीशन है मेरे पास और देख लो इतनी कंडीशन। चंबल नदी के किनारे पर बसे कोटा जिले के बरनाहाली गांव में आज मातम पसरा हुआ है, क्योंकि इस एक ही गांव के 7 लोगों की चंबल में तैर रही एक जर्जर नाव के डूबने से मौत हो गई है। बहरहाल इस गांव में मृतकों के घरों में और साथ में इस गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद हम इतना तो कह सकते हैं कि इस नाव दुखांतिका के जो भी शिकार हुए हैं वो सारे लोग बेहद गरीब तबके के हैं और इसीलिए जो भी मुआवजा राशि सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए डिक्लेयर की गई है उसके बढ़ने की यहाँ पर दरकार तो है, क्योंकि जब राम ने इतना बड़ा घाव दे दिया है तो उस पर मरहम तो राज ही लगा सकता है। कैमरामैन रामेश्वर कुशवाहा के साथ बरनाहाली गांव से अमर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।